तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है गेमिंग प्लाजा का एक नए वीडियो में। आज के वीडियो का फुल देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ये बेसिकली होने वाला है बांग्लादेश सर्वर के बारे में। जिस लोग जो जो बांग्लादेश सर्वर का प्री एक्सेस मतलब प्री रजिस्टर कर चुके हैं गलती से, उनके बारे में वो क्या क्या कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कमेंट करके, क्या मेरा आईडी क्या होगा यार, बांग्लादेश में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो क्या होगा, मैं क्या इंडियन आईडी से नहीं खेल पाऊँगा, मेरे दोस्तों के साथ नहीं खेल पाऊँगा, मेरा इस आईडी में जितना सब कुछ है वो क्या चला जाएगा। मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूँ इसके ऊपर। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो फिर दोस्तों स्वागत है मेरे वीडियो में। पहले देख लो दोस्तों, जो लोग अब लोग मतलब जो सब प्लेयर्स बांग्लादेश का सर्वर में प्री एक्सेस प्री रजिस्टर कर चुके हैं, वो टेंशन मत लो, क्योंकि गरीना फ्री फायर पहले चेक करेगा आप लोगों का मतलब लोकेशन चेक करेगा, आप किन सर्वर से बेसिकली खेलते हैं वो चेक करेगा, मतलब बेसिकली वो लोग लोकेशन ही चेक करेगा, उसके बाद आप लोगों को न्यू सर्वर दिया जाएगा। मतलब है, अगर आप लोग बांग्लादेशी सर्वर से मतलब बांग्लादेश में बिलोंग करते हो, बांग्लादेश में रह के खेलते हो, तो फिर आप लोगों को बांग्लादेश सर्वर का न्यू कॉन्फर्मेशन आएगा। उसको कॉन्फर्म करने के बाद ही आप लोग का सर्वर जो है वो चेंज होगा। और अगर आप लोग इंडियन सर्वर में इंडिया में रह के खेलते हो तो फिर भी एक कॉन्फर्मेशन आएगा, और उसके बाद अगर आप लोग वो एक्सेप्ट किए तो फिर ही आप लोगों का जो सर्वर है वो चेंज होगा। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। और मैं पहले वो सारे मेरे बांग्लादेशी भाई बहनों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा, जिसके लिए गरीना ने सोचा और एक न्यू सर्वर बनाया उनके लिए। और वो सब यूट्यूबर्स को भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा जिस लोगों ने ये गरीना से बात की, उनके मॉडरेटर से बोल के अपने के लिए एक सर्वर ले आए। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों से भी बोलना चाहूँगा इंडिया के ऑडियंस के साथ, आप किसी पर हेट मत करो, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद बहुत हेट क्रिएट होगी बांग्लादेश मतलब बहुत क्या बोलते हैं वो बहुत बहुत कंट्रोवर्सी होगा, क्या इंडियन सर्वर में ऐसे ऐसे इवेंट आ रहे हैं, बांग्लादेश सर्वर में ऐसे इवेंट आ रहे हैं, उन लोगों को ये फ्री दे रहा है, हम लोगों को ये पेड मिल रहा है। देखो गाइस, टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश का जो सर्वर है वो अभी अभी खुला है, उनके सर्वर में पहले वैसा कोई इवेंट नहीं आएगा। हमारे इंडियन सर्वर में भी पहले ऐसा ही होता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इवेंट जो है वो आते गए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंडियन भाई बहनों को और बांग्लादेश भाई बहनों को, किस पर हेट मत क्रिएट करना, क्योंकि उनके सर्वर में उनके बांग्लादेशी जो पूजा वगैरह रहता है उसका रिलेटेड इवेंट देंगे गरीना, और हमारे सर्वर में हमारा जो पूजा वगैरह रहता है इनके रिलेटेड हम लोगों को इवेंट देंगे। तो दोनों तरफ ही बैलेंस बना रहेगा। और सबसे बढ़िया बात है कि अब जो पिंग इशू है वो थोड़ा कम होगा, थोड़ा मैं नहीं बोल रहा हूँ पूरा, लेकिन थोड़ा कम होगा, क्योंकि एक इंडियन सर्वर का सर्वर में बांग्लादेशी प्लेयर इंडियन प्लेयर और नेपाल प्लेयर खेलते थे, इसलिए बहुत पिंग का इशू होता था। लेकिन अब बांग्लादेशी प्लेयर का जब खुद का सर्वर मिल गया तब थोड़ा पिंग प्रॉब्लम कम होगा। अब बात ही है नेपाल सर्वर का, नेपाल के लोगों को भी ये मतलब सबल हो सकता है कि उनके बांग्लादेशी सर्वर में उनका बांग्लादेश को उनका सर्वर मिल गया तो हमारे भी सर्वर मिलेगा। देखो मैंने गरीना से पूछा उनके मॉडरेटर से, वहाँ से मुझे जवाब आया कि अभी बात चल रही है ऐसा करने का, लेकिन कोई कॉन्फर्मेशन अभी तैयार नहीं हुआ। देखो ये
शुरू शुरू में नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं बोलना चाहूँगा नेपाली भाई बहन को, आप लोगों की थोड़ा इंतज़ार करें, ज़रूर आप लोगों को भी सर्वर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि एक प्लान बनाने में और उसको एग्जीक्यूट करने में बहुत फ़र्क होता है। बांग्लादेश नेपाली अभी टाइम मतलब प्लान बना रहे हैं सर्वर बनाने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के बहुत टाइम है, इसलिए चिंता मत करो, तुम्हारे लिए अभी सर्वर आएगा। और मैं बोलना चाहूँगा और एक पोस्ट बहुत वायरल हो रहा है, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पोस्ट बहुत वायरल हो रहा है हमारे कारण सर का। तो बात ऐसी है कि बहुत सारे यूट्यूबर है जो फेक न्यूज़ फैल रही है, मतलब ये र्यूमर फैल रही है कि गरीना फ्री फायर ने स्ट्रीट फाइटर के साथ कोलाबरेट किया है, ये न्यूज़ है बहुत ही फैल रही है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत जो यूट्यूबर जो यू न्यूज़ फैल रही है इसका कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है। मैं गरीना के भी पेज पे जाके चेक किया, उसको उनका ऑफिशियल वेबसाइट में, उसके बाद गरीना का फैन क्लब में भी चेक किया, वहाँ पर भी इसका कोई पोस्ट नहीं है। स्ट्रीट फाइटर्स के भी चैनल मतलब ऑफिशियल पेज और फैन क्लब में मैं चेक किया, वहाँ पर भी कोई ऐसी न्यूज़ पोस्ट कुछ भी नहीं मिला मुझको। तो मैं बोलना चाहता हूँ ऐसा न्यूज़ मत फैलाओ, अपने तरफ से ये बोलो कि उन अपना अपना ये प्रेडिक्शन है, मतलब क्योंकि प्रेडिक्शन है लेकिन गरीना की तरफ से कंफर्म है, ये मत बोलो क्योंकि तुम्हारे चैनल पर स्ट्राइक पड़ रहा है। अब बहुत सारे प्लेयर्स के मन में क्वेश्चन आएगा, तो गरीना स्ट्राइक क्यों दे रहे हैं हमको, उसका रीज़न क्या है गेमिंग प्लाजा भाई, वो तो बता दो। देखो तो बात ऐसा है कि अगर समझो कोई यूट्यूबर बोलता है गरीना की तरफ से ये कॉन्फर्मेशन है, अब बाद में दिखा गरीना में उसका कोई रिलेटेड इवेंट नहीं लाया, तो फिर लोग हेट किसको देंगे यूट्यूबर्स को तो नहीं। हाँ कुछ कुछ जो समझदार है वो यूट्यूबर्स को देंगे कि तुमने बोला था यह होगा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादातर ऑडियंस जो बच्चे हैं जो नहीं समझते वो तो गरीना को ही हेट देंगे, बोलेंगे गरीना ने स्ट्रीट बॉयज के रिलेटेड इवेंट नहीं लाया, उनका लाने वाला था लेकिन नहीं लाया, ये बोलेंगे। तो फिर इसलिए तो गरीना का ही नेम खराब होगा, उसको ही हेट पड़ेगा, इसलिए गरीना ने सब स्ट्राइक मार रहा है ताकि कोई भी यूट्यूबर ऐसा फेक न्यूज़ मत फैलाए। और जो दूसरा बात है, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मैं देख सकते हो सारे यूट्यूबर ने बोल रहा था लेकिन मैंने नहीं बोला। हाँ कुछ कुछ यूट्यूबर से वो भी नहीं बोलते लेकिन ज़्यादातर ही बोल रहे थे, आप लोग देख सकते हो, लेकिन मैंने चैनल पे कोई ऐसा अपडेट नहीं दिया, इसलिए मैं जिसके बारे में कंफर्म नहीं होता हूँ उसके बारे में अपडेट नहीं देता, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और इवेंट के डिटेल्स जानने के लिए कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और आप लोग जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतने ही आप लोगों के दोस्तों के साथ ही अवेयरनेस बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।